हेलो दोस्तों, नितिन फोटोग्राफी में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मेरा नाम है नितिन। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक वीडियो और लेके आए हैं। ये भी काफ़ी मज़ेदार वीडियो है और काफ़ी काम का वीडियो है। इसमें आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम जो हमारे फेस की स्किन है उसे स्मूथली बनाते हैं, क्लीन करते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसे हम एक न्यू कंपोजिशन आइकॉन पर ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ फेस पे फोकस कर रहा हूँ, इसलिए हम फेस क्लीन करने वाले हैं। ओके, चलते हैं, हम इसे फिट टू 100% कर लेते हैं। और मैं इस लेयर की एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। कंट्रोल डी करके मैंने एक डुप्लीकेट लेयर बना लिया है। और आइए चलते हैं, हम पेन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम फेस पे मास्किंग लगा देते हैं। जस्ट रफली मैंने सेलेक्ट कर लिया है इसे। और चलते हैं हम ट्रैकर पे। अभी यहाँ पर देखेंगे आप, एनालाइज दिया हुआ है। मेथड आप देख सकते हैं यहाँ पर, फेस ट्रैकिंग है। फेस ट्रैकिंग जिसमें डिटेल्स फीचर्स यानी जिसमें आँखें, लिप्स, नोज और आईब्रो वगैरह सभी जो है ट्रैक हो जाएगा। लेकिन हम सिर्फ फेस ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो फेस ट्रैकिंग यहाँ पर है आउटलाइन ओनली, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। और फॉरवर्ड एनालाइज करते हैं। चलते हैं, देखते हैं हम, थोड़ा यह टाइम लेगा, डिपेंड करता है आपकी मशीन की स्पीड के ऊपर। तो यहाँ पर जो है हम फिर से आ जाते हैं इन पॉइंट में और जो है मास्किंग हमारा जो है ट्रैक हो चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मास्क जो है, ये मास्क दिख रहा है और मास्क पे, मास्क पाथ पे जो है कई हजारों की फ्रेम यहाँ पर लग चुकी है। चलिए हम चलते हैं, फेस क्लीन करते हैं। अभी यहाँ पर इफेक्ट एंड प्रीसेट में चलते हैं और यहाँ पर मैं रिमोगेन, ओके, ये रिमोगेन को अप्लाई कर देते हैं इस वीडियो पे। और यहाँ पर आप देखेंगे एक वाइट कलर का बॉक्स यहाँ पर बन गया है। ये जो यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पर आ जाते हैं ये इफेक्ट कंट्रोल पे और यहाँ पर रिमोगेन इफेक्ट हमने लगाया हुआ है। यहाँ पर जो है वीविंग मोड देखें, हम प्रीव्यू देख रहे हैं अभी। यहाँ पर प्रीव्यू बॉक्स के अंदर आप प्रीव्यू देख सकते हैं। मूव नहीं करना है, वो गलती से हो गया है, मैंने अंडो कर दिया है, कोई बात नहीं। और प्रीव्यू मोड देख रहे हैं यहाँ पर, प्रीव्यू रीजन यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेंटर। और जो बॉक्स है उसको हम मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। मैं थोड़ी सी आइज पे लेके चलता हूँ इसे, ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना जाए। आइज़ भी कवर हो रही है, स्किन भी कवर हो रही है। ओके, वेट हाइट जो है इसकी बॉक्स की आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, ये ठीक है। आईब्रो भी मेरी यहाँ पर कवर हो गई। बॉक्स कलर यहाँ पर दिया हुआ है वाइट, नो प्रॉब्लम। नॉइज़ रिडक्शन सेटिंग यहाँ पर है, नॉइज़ कितना रखना चाहते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से अपर और डाउन से आप लेवल चेंज करें तो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, पासेस यहाँ पर 3 है, 2 करके देखते हैं, 1 करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो है सेम वही ओरिजिनल स्क्रीन आ जाती है। और अगर मैं इसे 2 करता हूँ, 3 करता हूँ तो काफ़ी स्मूथली, ये 2 में और ये 1 में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में बहुत ही स्मूथली हो जा रही है, 6 में, सॉरी, ये 6 है और स्मूथली स्किन है। चलते हैं, हम इसे 3 रख लेते हैं। 3 काफ़ी अच्छी है। और भी काफ़ी एडवांस फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं नॉइज़ रिडक्शन के, लेकिन फाइन ट्यूनिंग है, क्रोमा सप्रेशन, टेक्सचर अगर
और चाहिए आपको यहाँ पर, तो वो आप कर सकते हैं। नॉइस साइज बेसिस क्लीन सॉलिड ओके ये मेरे कोई काम का नहीं है। अनशार्प मार्क्स थोड़ा शार्प अगर आप करना चाहें वीडियो को तो कर सकते हैं यहाँ पर, बट ठीक है मैं 0.09 कर लेता हूँ या फिर ऐड कर लेता हूँ थोड़े से 4, 5, 6 तक ओके 8 में ठीक दिख रहा है ओके ये ठीक है। रेडियस वगैरह रह देते हैं हम, बाकी ये मेरे कोई काम का नहीं है, मैं उससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता हूँ ठीक है। तो आइए चलते हैं हम इस वीडियो को फिर से 100% व्यू कर लेते हैं और इस प्रीव्यू मोड को हटा देते हैं हम, फाइनल आउटपुट कर देते हैं ठीक है। और अब हम प्ले करते हैं हमारा वीडियो, प्रीव्यू देख लेते हैं ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ये जो मास्क लेयर लगाया था ये थोड़ा सा जूम इन करके 200% कर लेता हूँ मैं, और ये जो है आफ्टर है बिफोर दिखाते हैं, ये बिफोर है स्किन और मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ ओके ये बिफोर स्किन है और हमने जो लगाए फिल्टर उसके बाद ये एकदम सॉफ्ट हो गई है स्किन, तो ये काफ़ी अच्छी दिख रही है। चलिए हम फिट कर लेते हैं फिर से और अब वीडियो हम फिर से प्ले कर लेते हैं इन पॉइंट में आके ओके। तो ये अभी रेंडिंग नहीं हुआ है इस वजह से स्लो चल रहा है। एक बार वीडियो रेंडिंग हो गया तो फिर फास्टली चलने लगेगा ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि कितने आसानी से हम स्मूथली स्किन बना सकते हैं एकदम प्रोफेशनली, जो कि बॉलीवुड या काफ़ी सीरियल्स में यूज़ करते हैं स्किन को स्मूथ बनाने के लिए और काफ़ी यूट्यूब से वीडियो के लिए भी यूज़ होते हैं। तो ये काफ़ी आसान है और भी बहुत कुछ है इसमें, डिजिटल मेकअप कर सकते हैं आप और आईब्रो वगैरह और चेक बोन्स वगैरह में मेकअप कर सकते हैं, तो ये आने वाले वीडियो पे हम देखेंगे। और तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक था, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और थम्सअप देना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।